नमस्ते सभी बच्चों को। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर G10 करवाने जा रहा हूँ। ये जेनरिक वर्कशीट है और 6th से लेकर 8th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए है और ये 16 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। फटाफट हम इसको करते हैं। आज की जो वर्कशीट है ना, इसका जो टॉपिक है वो रहने वाला है पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति। ठीक है, और बहुत ही इजी वर्कशीट है। आपसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं आंसर के साथ आपको दिखाऊंगा प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, पहले हम इस पैसेज को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। ये कह रहा है कि जो देशभक्ति होती है ना, वो मदद करती है बनाने में कंट्री को। ठीक है, किस चीज़ को बनाने में? उसको फ्यूचर बनाने में। ठीक है, एक कंट्री का फ्यूचर बनाने में जो देशभक्ति होती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, ताकि जो पीपल है ना, वो हार्मनी मतलब प्रेम से, सद्भाव से रह सके। ठीक है, ईच अदर, एक साथ। ठीक है, जो उस कंट्री के जो पीपल है ना, बहुत आराम से रह सके। इट डजेंट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बींग वॉयलेंट। ये कह रहा है कि आप पैट्रियोटिज्म यानी कि जो देशभक्ति है, उसका मतलब केवल लड़ाई या वॉयलेंट होने से, उत्तेजनापूर्ण होने को ही आप नहीं कह सकते कि वो पैट्रियोटिज्म होता है। मतलब आप दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, कोई हमारी कंट्री के ऊपर बुरा कह रहा है। ठीक है, केवल उसी को जो है ना, हम पैट्रियोटिज्म नहीं कहेंगे। इट मीन्स शोइंग पैशन। आपको अपनी कंट्री के प्रति पैशन दिखाई देना होगा, मतलब उत्साह दिखाना होगा, सैक्रिफाइस दिखाना होगा अपनी कंट्री के लिए, ताकि वो कंट्री आगे बढ़ सके, तभी हम उसे पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं। ये कह रहे हैं शोकेसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेजन सच एज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म। ये कह रहे हैं केवल एक दिखावा करना, प्यार दिखाना, ठीक है, कंट्री में केवल रिपब्लिक डे के मौके पर, ठीक है, या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता तब दिखाना अपना देश प्रेम, या गांधी जयंती के अवसर पर अपना देश प्रेम दिखाना, ये एक सच्ची या सच्चा जो है ना पैट्रियोटिज्म नहीं है, देशभक्ति सच्ची नहीं है ये। ठीक है, ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री। ये कह रहे अच्छी देशभक्ति उसे कहते हैं जो एक कंट्री की रिस्पेक्ट करे, अपने देश का नाम कभी झुकने ना दे, एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री। और एक गर्व हो और अपनी कंट्री के प्रति प्यार हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत हो, तो उसे हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट आल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन। और ये कह रहे हैं जब पैट्रियोटिज्म होती है ना, ठीक है, जब देशभक्ति होती है, तो इसका मतलब है कि एलिमिनेशन मतलब ना होना, उसका ख़त्म हो जाना, किस चीज़ का? ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन विच विल हेल्प द कंट्री ग्रो एंड डेवलप फास्टर। ये कह रहा है अगर हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म आ जाएगा ना, तो हम अपने स्वार्थ को छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमारी कंट्री की मदद करेगा, हमारी कंट्री को बढ़ने में, उसका विकास होने में। मतलब अगर हमारे अंदर देशभक्ति होगी ना, तो हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है, और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द नेशन डजंट बिलोंग टू वन पर्सन। ये याद रखना कि राष्ट्र केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, रैदर इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, बल्कि ये हम सबसे बिलोंग करता है, ये हम सबका देश है, हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना, इस देश को बहुत आगे लेकर जाना है। ठीक है, एंड मस्ट कम टूगेदर टू मेक अवर नेशन द बेस्ट। और हमें सबको एक साथ आना होगा ताकि अपने नेशन को, अपनी कंट्री को, अपनी इंडिया को बहुत आगे ले जाएं हम। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इन द पास्ट, ये कह रहे हैं प्राचीन समय में, पुराने समय में, इंडिया हैज़ हैड अ फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर। इंडिया के बहुत ही शान वाले, बहुत ही महान, ठीक है, देश के शूरवीर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, बहुत महान महान व्यक्ति हमारे देश के अंदर रहे हैं, हु फोर्ट फॉर इंडिया फ्रीडम, जो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े। आगे कह रहे हैं एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपना जीवन ही त्याग दिया, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए खुद मर गए। ठीक है, टू हेल्प द कंट्री बिकम फ्री एंड फ्लोरी, ताकि हमारी कंट्री, आप सब, हम सब फ्री रह सकें और हमारी कंट्री फ्लोरिश होती रहे, खूब तरक्की करती चले जाए।
ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने अपनी जान दे दी बच्चों देश की आज़ादी के लिए। ये आगे कह रहे हैं, सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटेस्ट पेट्रियोट्स वर, देखो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं लेकिन यहाँ पे कुछ के नेम बताए गए हैं, ठीक है। वो कौन है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही बताए गए हैं, है ना। दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, इन्होंने अपनी कंट्री के प्रेम के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया और अमर हो गए इतिहास में, हो गए ना बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, एंड द ट्रू पैट्रियोट्स आर वर्शिप्ड इवन आफ्टर देयर डेथ, लिखा है ना बच्चों, जो सच्चे देशभक्त होते हैं उन्हें मौत के बाद भी हमेशा पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है। दे बिकम मार्टियर्स, और वो क्या बन गए हैं, मार्टियर्स बन गए, मतलब शहीद बन गए हैं। दे द सोल्स ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रिस्पेक्टेड, और इन शहीदों की, ठीक है, जो आत्मा है, ठीक है, उसे हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। एंड बिकम इमोर्टल, ये अनश्वर हो गए, मतलब ये अमर हो गए हैं, ठीक है, इन्हें हमेशा याद किया जाता है। ऐसे शेक्सपियर ने बात कही है बच्चों, एज शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर से बहुत बड़े प्ले राइटर हैं बच्चों, बहुत इन्होंने नाटक लिखे, ठीक है, बहुत फेमस ये रहे हैं, ठीक है, इंडिया के नहीं, बाहर की कंट्री के, ठीक है। इन्होंने बात बोली है, कावर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर दे आर डेथ, जो डरपोक होते हैं ना वो अपने मरने से पहले कई बार मरते हैं क्योंकि वो हमेशा डर डर के जीते हैं, जबकि द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, और जो वैलियंट होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं क्योंकि वो तो अमर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो देश की भक्ति में लग जाते हैं, ठीक है। अदर पैट्रियोट्स सच एज शिवाजी, अगर और भी बहुत सारे देशभक्त हैं हमारे देश में, जैसे शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड, इनको भी रिस्पेक्ट पूरी पूरी दी जाती है एंड रिमेंबर्ड, और हमेशा याद किया जाता है, एज वेल एज बिकॉज दे फोर्ट फॉर देयर नेशन, क्यों क्यों याद किया जाता है, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए लड़े थे एंड वर फियरलेस, और बिना डर के लड़े थे, खूब बहादुरी से लड़े थे। कैसे लड़े थे बच्चों, वैलेंटली लड़े थे, ठीक है। आगे कह रहा है, आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, और इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत बड़ा जो मूवमेंट जो है खड़ा करा, बहुत बड़ा आंदोलन करा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आ गया और आज हमारी कंट्री के खुद की अपनी पहचान, आज हमारे देश आज़ाद है बच्चों, आप आज़ाद देश में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप खुली सांस ले सकते हो और आगे से आगे बढ़कर अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का और इस कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। रिमेम्बरिंग, याद रखना, क्या रखना, एंड रिमेम्बरिंग ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म, और ये कह रहे हैं इनको, इनके जो सम्मान है इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और याद होना भी चाहिए ना बच्चों, ठीक है, और यही हमारी इसमें एक देशभक्ति के अंदर आता है, ठीक है। और जिन्होंने भी जीवन त्यागा है, जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, तो उनको याद रखना, उनको सम्मान देना उनके संघर्ष का, ठीक है, क्योंकि इन, और याद किया भी जाएगा फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई है, ठीक है, और ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी देशभक्ति का। ये कह रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल करा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है एंड हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है, डैट वी आर हियर टूडे, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं लिविंग इन अवर कंट्री सेफली, और आज हम अपनी कंट्री में सेफली रह रहे हैं एंड विद रिस्पेक्ट, एक अपनी मान और सम्मान के साथ रह रहे, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम गुलाम देश में हैं। तो बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबी जो है पैसेज है, ठीक है। अब जिन्होंने पैसेज समझी है तो ईजिली सारे कर सकते हैं, मैं अब आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ, वहीं से हम सारे आंसर भी करेंगे और समझते भी जाएंगे, ताकि आप नोट भी करते जाएं, ठीक है, और समझते भी जाएं। देखिए अब फटाफट करते हैं, पहला जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर सारा फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए आप ना पहले ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ये ठीक है, ये लाइन, और आप पूरी पैसे तो कॉपी पर नोट करेंगे नहीं, आपको क्या करना है, इसकी जैसे एक लाइन लिखी, फिर डॉट 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 डाला, फिर जो लास्ट में लाइन होगी ना, ये जो लास्ट की लाइन है,
फिर आप लिख देना, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लाइन लिख दी थोड़ी सी, फिर डॉट 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 डाला, डॉट 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 डाला, फिर ये जो लास्ट की जो थोड़ी सी बात है ना ये यहाँ लिख देना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नोट करना है। अब इसके बाद सारे आंसर्स आप देख लीजिए कैसे करने हैं, ठीक है। सारे आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए किए हुए हैं, जैसा भी आपको दिखाया था दोबारा दिखाता हूँ। अब देखिए पहला है, पैट्रियटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन, जो देशभक्ति होती है उसका मतलब जो हमेशा क्या नहीं होता, फाइटिंग और बीइंग वायलेंट होना, ठीक है। दूसरा है इसका, पैट्रियटिज्म मीन्स शोइंग डैश एंड डैश सैक्रिफाइस टूवर्ड द नेशन, जो पैट्रियटिज्म होती है ना उसमें क्या होता है, हमें क्या दिखाना होता है, पैशन दिखाना होता है, उत्साह दिखाना होता है, त्याग दिखाना होता है अपने देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति। और नेक्स्ट कह रहा है, पैट्रियटिज्म आल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ, ये कह रहे हैं पैट्रियटिज्म में एक और बात कही जाती है कि एलिमिनेट होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस और करप्शन, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देशभक्ति के अंदर ये जरूर गुण होने चाहिए आपके अंदर। फ्रीडम फाइटर्स लोज देयर लाइफ फॉर द, एक जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना वो अपने जीवन तक को त्याग देते हैं, ठीक है, किस लिए त्याग देते हैं, अपनी कंट्री के लव के कारण, क्योंकि उससे प्यार करते हैं, ठीक है। आपको भी इस कंट्री से बहुत प्यार करना है, इसको बहुत आगे लेके जाना है, इसका सम्मान बना के रखना है, ठीक है। आप सैक्रिफाइस करने वाली बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस कंट्री को आगे ले जाना चाहते हो तो आप खूब हार्डवर्क कीजिए, पढ़िए और इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचाइए, ठीक है। और शेक्सपियर ने क्या बोला है, शेक्सपियर ने बोला है कि जो कावर्ड्स होते हैं, जो डरपोक होते हैं ना, वो बहुत बार मरते हैं, ठीक है, मरने से पहले बहुत बार मर जाते हैं, ठीक है। और जो वैलेंट होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो कभी भी डेथ का स्वाद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अमर हो जाते हैं, ठीक है, कोई ना कुछ करके दिखाते हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये पांच हो गए, अब आगे देखिए छठा क्वेश्चन। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, ठीक है। और अगर आपको एफर्ट लग रहे हैं अच्छे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से, तो ये कह रहे कौन कौन है जो आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टूडे एज वेल, आज भी इन्हें जो है पूरी पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है और इन्हें रिमेंबर किया जाता है, ठीक है। तो हमें जो है ना पैसेज के हिसाब से बताना, तो गांधी जी, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, वैसे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, है ना, बहुत सारे देशभक्त हैं हमारे देश में, ठीक है। और सेवंथ है, रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म, ये कह रहा है कि अगर आप जितने भी सारे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो स्ट्रगल करा है, अगर आप उन्हें याद रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो बस वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पैट्रियटिज्म के अंदर, क्योंकि एक देशभक्ति का एक पहलू माना जाता है उनको याद करना और सम्मान देना, बाकी इस देश के लिए आप करेंगे भी वो भी देशभक्ति है, ठीक है। एट्थ बोल रहा है, अवर फ्रीडम फाइटर लीड मूवमेंट टू ब्रिंग अ डैश एंड मेक एंड डैश फॉर द कंट्री, ये कह रहे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उन्होंने मूवमेंट कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो जिसकी वजह से क्या आया, चेंज आया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी आइडेंटिटी बन पाई, हमारी कंट्री की एक अस्तित्व बन पाया, आज हमारा देश आज़ाद है और हम कह सकते हैं हम भारत देश में आज़ाद देश में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, द डैश ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल, द सोल, इनकी जो आत्मा है ना, जो भी शहीद है, ठीक है, ये जो क्या होनी चाहिए, इनकी रिस्पेक्टेड, उनकी जो है पूरा मान सम्मान होना चाहिए, और ये क्या है, इमोर्टल बन गए, अमर बन गए हैं, ठीक है। तो नाइन्थ हो गया, अब टेंथ देखिए कौन सा है, टेंथ ये लास्ट है, और इसमें बोला गया कि आपको फाइव फ्रीडम फाइटर्स लिखने हैं, कोई से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। तो मैंने जैसे लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मंगल पांडे जी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 बता दिए, आप कोई से 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और भी आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट अच्छे समझा दी, आंसर के साथ समझा दी, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।